हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको IGI एविएशन का एडमिट कार्ड आ गया है उसके बारे में बताऊंगा, और आपको साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट नोटिस है वो भी मैं आपको पढ़ के समझाऊंगा तथा बताऊंगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मैंने कल आपको IGI एविएशन का फुल पेपर कराया था, इसमें मैंने 100 क्वेश्चन कराए थे ऑल सब्जेक्ट के, तो उसमें जो GS का पार्ट फर्स्ट था, उसमें जो उसका पहला क्वेश्चन है उस कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है, तो इसका करेक्ट आंसर है सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में है। ठीक है, तो आपको गुजरात याद करना है। तो चलिए आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है IGI एविएशन की, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आपको करना है, उसके बाद आपको जाना है डाउनलोड एडमिट कार्ड पे, जैसा कि आप दिख रहा होगा। इस पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। सबसे पहले तो मैं आपको जो ये इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, CS से लिखित परीक्षा राज्यवार शुरू होगी, यानी जो आपने फॉर्म भरा है IGI एविएशन का कस्टमर सर्विस एजेंट का जो रिटर्न एग्जाम है राज्यवार शुरू होगा, अर्थात स्टेट वाइज स्टेट होगा। ठीक है, उम्मीदवार अब दिल्ली केंद्र के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आप सबने, जिस भी कैंडिडेट ने दिल्ली केंद्र के लिए अप्लाई किया था, जिसने अपना दिल्ली सेंटर दिया था, वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। बाकी अन्य केंद्र के लिए उम्मीदवार को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर विधिवत सूचित किया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो अन्य केंद्र अन्य सेंटर के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा आपके एडमिट कार्ड का। और देखिए क्या कह रहे हैं, यदि एडमिट कार्ड में फोटो गायब, फोटो मिसमैच, जन्म तिथि या किसी अन्य जानकारी से संबंधित कोई अंतर पाया जाता है, तो उम्मीदवार हेल्पलाइन 0114567984 पर कॉल कर सकते हैं। यदि जैसे आपने अपना जो भी रोल नंबर वगैरह या नाम वगैरह जैसे अपना फिल किया और आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, यदि आपके एडमिट कार्ड में आपकी फ़ोटो गायब है, या आपकी फ़ोटो की जगह किसी और कैंडिडेट की फ़ोटो है, या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मिसमैच है, या कोई और जानकारी जो छूट गई है या मिसमैच है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है 0114567984, इस पर आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं कि सर मेरे एडमिट कार्ड में मेरी फ़ोटो गायब है या मेरा जो जन्मतिथि है वो गायब है, तो वो आपको वहाँ से सजेशन दे देंगे कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। ठीक है दोस्तों, उसका देखिए आपको एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ आपको डालना है अपना पूरा नाम, जैसे किसी का नाम है रमेश कुमार, तो वो लिखेगा रमेश कुमार। उसके बाद अब उसके फादर का नाम, उसके फादर का नाम जैसे मान के राम कुमार है, तो राम कुमार। ठीक है, देन फोन नंबर, फोन नंबर आपका वो आएगा जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपना फोन नंबर दिया था, वो आपका फोन नंबर आएगा। फोन नंबर जैसे उसका जो भी फोन नंबर है वो 10 अंकों का अपना फोन नंबर एंटर कर देगा। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और ये एडमिट कार्ड केवल दिल्ली सेंटर के लिए, जिस भी कैंडिडेट ने दिल्ली के लिए अप्लाई किया था केवल उसका एडमिट कार्ड आया है अभी, और बाकी जो अन्य सेंटर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनका अभी एडमिट कार्ड नहीं आया। उनका जैसे एडमिट कार्ड आएगा, तो उनके फ़ोन पे या मेल आईडी पे एक SMS के थ्रू IGI एविएशन आपको इन्फॉर्म कर देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।